रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पत्ते के मुठिया। मुठिया बनाने के लिए लगने वाले साहित्य हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, बेसन, चावल का आटा, 3 से 4 टोमेटो, प्याज, नमक, तेल, हरी मिर्ची कटी हुई है, कस्तूरी मेथी, हल्दी, तीखा, मोरी के दाने, जीरा और कड़ी पत्ता और ये हमारे प्याज के पत्ते। प्याज को पत्तों को हमने अच्छी तरीके से साफ किया था, उसके बाद धो लिया था। 1 घंटे तक हमने इसे छानने में पानी निकालने के लिए रख दिया था। अब हमारा ऊपरी जो पानी था धोया हुआ सारा निकल चुका है। अब हम इस प्याज के पत्ते के डेंटल को पत्तों से अलग कर देंगे। इस डेंटल को हम भी यूज करेंगे, इसे हम बारीक बारीक काट के थाइंग में यूज करेंगे और इन पत्तों को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। हमने प्याज के पत्तों को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है और जो उसके डेंटल थे उसे हमने इस तरह से काट लिया था। ये इसे हम थाइंग में यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले इन कटे हुए पत्तों में 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची थोड़ा बारीक कटा हुआ, टोमेटो, दो टेबलस्पून चावल का आटा, हम अभी 2 स्पून ही लेंगे, 2 टेबलस्पून बेसन, 1/4 टेबलस्पून अगर हमको हमारा बैटर ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए ना तो ज्यादा जाड़ा होना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि और इसमें थोड़ा आटा जाएगा तो बेसन और आटा दोनों इक्वल मात्रा में डालना है। हमारा बैटर इस तरह से रेडी हुआ है। बैटर ना तो ज्यादा जाड़ा होना चाहिए ना तो पतला होना चाहिए, उसके छोटे छोटे गोले हो सके इस तरह से होना चाहिए। बट हमारा बैटर अभी भी इसमें थोड़ा पानी है तो हम इसमें थोड़ा 1 स्पून बेसन और 1 स्पून चावल का आटा मिक्स करेंगे। अभी हमारा बैटर गोले बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हम इसके गोले बनाएंगे। अभी हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए हम मिट्टी के बर्तन का यूज कर रहे हैं। मिट्टी का बर्तन काफी अच्छा होता है, इसमें बनने वाली सब्जी काफी टेस्टी लगती है और ये बर्तन में बनाई हुई चीजें भी काफी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो हम सबसे पहले इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम अब इसमें सबसे पहले मोरी के दाने डालेंगे, उसके बाद जीरा, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो प्याज के पत्ते के जो डेंटल थे उसे जो काटा था वो डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून नमक,
एक स्पून तीखा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कस्तूरी मेथी, एक स्पून गरम मसाला, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टोमेटो डालेंगे। पानी को उबली आते तक हम गोले बना लेते हैं। मैंने कुछ गोले रेडी करके रखे हैं। गोले इस तरह से बनाने हैं। हमारे टोमेटो अच्छे से पक चुके थे, फिर हमने उसमें 2 गिलास पानी डाला। अब इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। हमारी ग्रेवी अब अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब हमने जो गोले बनाए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे। हमारी सब्जी बनके रेडी है। हमने इसे आधे घंटे तक धीमी आंच में पकने दी। ये सब्जी 2 से 3 लोगों के लिए काफी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।